लाइफ पावर किस किसने किया यहाँ पर? सबने? टुक्केबाजी में तो नहीं? चलो ठीक है, मान लो टुक्केबाजी में कर भी लिया और लाइफ पावर का कोई भी नहीं, चलो सीपीयू की बात करते हैं। मैंने कहा कि मैंने इन सबसे एक गारंटी दी थी, 4 दिन पैसा वापस। हर दिन कह रहे थे हम जा सकते हैं तो जाइए अभी, तो 4 दिन पैसा वापस। और मैंने इनसे पूछा था 4th दिन में, मुझे बताइए किस किसने सीपीयू निकाल के लगाया यहाँ पर, वो भी ऐसा नहीं टुक्केबाजी में, नहीं 2 से 3 से ज्यादा बार लगाया। और बहुत सारों के तो वीडियो फिर और भी आ रहे हैं। एक कारण बन जाता है कि पता नहीं यार ये तो सिखा रहे हैं पर हम, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, तो ये दिमाग में सबके था कि नहीं था ये बताओ? किस किस के था? सबके दिमाग में कंफ्यूजन था। पहले दिन आकर जब पर इन्होंने धीरे धीरे जब क्लास अटेंड की, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और सच बताइए दूसरे दिन किस किस ने यूनिवर्सल स्टेंसिल से आपके सीपीयू रिवॉल्व किए? सर्किट को जान पाऊंगा क्या? मैं स्कीमेटिक पढ़ लूंगा क्या? मैं पावर लगा लूंगा क्या? मैं सीपीयू लगा लूंगा? ये तो कहते हैं 4 दिन में लगवा देंगे नहीं तो पैसे वापस, तो क्या ये लगवा देंगे? क्या मैं स्कीमेटिक पढ़ के समझ लूंगा? क्या मैं लाइनों की सप्लाई समझ लूंगा? क्या DSO का काम? किसी भी इंस्टीट्यूट के देखो तो 1 लाख फॉलोअर्स फेसबुक पर नहीं है, तो इसके लिए जोरदार ताली दे दो भाई। मतलब पूरे इंडिया के 1 लाख से ज्यादा लोग हमको फेसबुक में फॉलो कर रहे हैं यार, टेक्नीशियन में बहुत बड़ी बात है। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? सो आई माई YouTube फैमिली एंड कैसे हैं आप सभी लोग मेरे Facebook के प्यारे लोगों, थैंक यू वेरी मच यार इतना प्यार देने के लिए, इतने सारे सब्सक्राइबर दे रहे हो, 1 लाख के ऊपर फॉलोअर्स है Facebook में। इंडिया में देखा जाए तो सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में, मैं बाहर की बात नहीं करूँगा, पूरे इंडिया में आप किसी भी इंस्टीट्यूट के देखो तो 1 लाख फॉलोअर्स Facebook पर नहीं है, तो इसके लिए जोरदार ताली दे दो भाई। थैंक यू। मतलब पूरे इंडिया के 1 लाख से ज्यादा लोग हमको फेसबुक में फॉलो कर रहे हैं यार, टेक्नीशियन में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो वीडियो है आज हमारा हार्डवेयर कंप्लीट हुआ है मेरे साथ, अभी उनके साथ बहुत चलेगा हार्डवेयर, अभी और भी है सॉफ्टवेयर है सर के, सारी MMC है, हमें RAM पे काम करना है, MMC पे काम करना है, हमें ब्लैक पेस्टर पे काम करना है, डुअल डेकर बहुत कुछ करना है, टूल्स की क्लास होनी है। बट दोस्तों देखा जाए तो ओवरऑल अगर जो भी सेक्शंस हुए आज मैं उनकी बात करूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि इनको कितना आई कि नहीं आई। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें आप क्या सोच के आए, एक जो टेक्नीशियन है ना क्या सोच के आएगा, एक टेक्नीशियन यही सोच के आएगा जब घर से निकलेगा कि क्या मैं जिस इंस्टीट्यूट जा रहा हूं क्या मैं वहां पर IC रिवॉल्व कर लूंगा क्या, क्योंकि मैंने आज तक नहीं की है, क्या मैं वहां पर IC लगा लूंगा क्योंकि मैंने आज तक कहीं लगा नहीं पाया हूं, लगा रहा हूं तो फेल हो रही है, क्या मैं कोई सर्किट को जान पाऊंगा, क्या मैं स्कीमेटिक पढ़ लूंगा, क्या मैं पावर लगा लूंगा, क्या मैं सीपीयू लगा लूंगा? ये तो कहते हैं 4 दिन में लगवा देंगे नहीं तो पैसे वापस, तो क्या ये लगवा देंगे? क्या मैं स्कीमेटिक पढ़ के समझ लूंगा? क्या मैं लाइनों की सप्लाई समझ लूंगा? क्या DSO का काम? सो ओवरऑल ये सारी चीजें घूमती रहती है हमारे दिमाग में, और यही हमारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक कारण बन जाता है कि पता नहीं यार ये तो सिखा रहे हैं पर हम, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, तो ये दिमाग में सबके था कि नहीं था ये बताओ? किस किस के था? सबके दिमाग में कंफ्यूजन था। पहले दिन आकर जब पर इन्होंने धीरे धीरे जब क्लास अटेंड की, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और सच बताइए दूसरे दिन किस किस ने यूनिवर्सल स्टेंसिल से आपके सीपीयू रिवॉल्व किए? डन, चलिए ठीक है, मुझे बताइए तीसरे दिन पूछते हैं सर जी, आप देखो आप पूछ रहे हैं हम आपसे, आप वेट दो तो आप मुझे थोड़ा समय तो दो। मैं ये कह रहा हूं तीसरे दिन लाइफ पावर किस किसने किया यहाँ पर? सबने? टुक्केबाजी में तो नहीं? चलो ठीक है, मान लो टुक्केबाजी में कर भी लिया और लाइफ पावर का कोई भी नहीं, चलो सीपीयू की बात करते हैं। मैंने कहा कि मैंने इन सबसे एक गारंटी दी थी 4 दिन पैसा वापस।
हर दिन कह रहे थे हम जा सकते तो जाइए अभी। तो चार दिन पैसा वापस, और मैंने इनसे पूछा था चौथे दिन में, मुझे बताइए किस किस ने सीपीयू निकाल के लगाया यहाँ पर, वो भी ऐसा नहीं टुक्केबाजी में, दो से तीन से ज्यादा बार लगाया, और बहुत सारों के तो वीडियो फिर और भी आ रहे हैं। सो आप देखिए यहाँ पर ये है रिजल्ट इस क्लास का। आज मैं बताना चाहूंगा स्कीमेटिक पढ़े, लाइट सेक्शन, ग्राफिक्स, नेटवर्क सेक्शन किस किस को समझ में आया बताओ, कितना डीप लेवल पे, क्रीम लेवल पे समझे कि नहीं समझे, DRX, एंटीना, हर चीज समझ में आई आपको, लाइट सेक्शन। अच्छा ये बताओ हर एक सेक्शन की आईसी उठा के लगाई कि नहीं लगाई हमने, डाटा सीट किस किस ने बनाया, आईसीओ को अंदर पढ़ना, पैड लाइन किस किस को आया यहाँ पर, ये देखो आज ये इतने तैयार हैं, हेलो ये इतने तैयार हैं कि अब इन लोग को केवल ऊपर क्रीम लगानी है सर, इनको सिर्फ क्रीम लगा के देनी है, इनको तैयार कर दिया मैन्युफैक्चरिंग। आप समझो ये आए थे रॉ मटेरियल थे पूरे, कई लोग घुसाने के लिए तैयार नहीं थे अपने अंदर, पर हमने उनके अंदर भी घुसाया। पर मैं सच बता रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, कितना इंपॉर्टेंट है आप बताइए, इंपॉर्टेंट है ये डिसिप्लिन, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये डराने धमकाने वाला गेम नहीं है सर, डिसिप्लिन सबके लिए है, एक टीचर के लिए भी है, मेरे लिए भी है, इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, क्योंकि अगर ये टाइम पे नहीं आएंगे, मैं टाइम पे नहीं आऊँगा, इनको बोलता हूँ 11 बजे क्लास मिलेगी, तो 11 बजे से 5 मिनट पहले क्लास स्टार्ट होनी चाहिए, ये एक डिसिप्लिन दोनों तरफ से चलना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ किसी टीचर को पूरा पढ़ाना है, तो वो पूरा पढ़ा के जाएगा, आधा अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन आपके लिए भी बनेगा ना भाई। अगर हम डिसिप्लिन छोड़ देंगे तो क्या आज हम इस स्टेज में आ पाते क्या, आ पाते क्या? और सच बताएं डिसिप्लिन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं ये लोग, आइए जानते हैं इनसे। पर उससे जानने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार इसे टेलीकॉम की पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बजा दें। अब थोड़ा पर्सनली, सबसे पहले आप आए और आपने सबसे पहले जो चेहरा देखा, मैं चाहूंगा एमडी सर के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। एमडी सर का कोऑपरेशन गजब कर रहा थ्रू आउट, जब भी आपको कोई दिक्कत आई या अब आने के बाद भविष्य में आएगी तो आपको यही आदमी मिलेगा एमडी सर। अब उसके बाद आप जब इंस्टीट्यूट में आए तो दूसरा आपने सबसे पहले दीपक सर को देखा, जोरदार ताली। और मेरे बाद में आप सबसे पहले मेरे दुर्गेश सर के लिए बस जोरदार ताली बजाइए सर। और अब इसके बाद मिलने वाले हैं मिलन सर से, एक बार जोरदार ताली मिलन सर के लिए, एक बार सर के लिए। और एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे अनिल के लिए, बताइए। अब मैं सबसे पहले हर एक टीचर से पहले बात करना चाहूँगा, उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनकी क्लास है, मैं सिर्फ 2-4 ही स्टूडेंट से पूछूंगा, क्योंकि इनसे तो हम दिन भर और डेली पूछ रहे हैं और आगे भी इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से, क्योंकि अभी क्लास चालू होने वाली है दुर्गेश सर पर दुर्गेश सर से हम सबसे पहले पूछेंगे, फिर मिलन सर से, फिर दीपक सर से, फिर एमडी सर से। दुर्गेश सर आए, आप मुझे बताएं कि अब इनको मीडिया जो भी सर्किट में है, जो भी सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, तो इनको क्या मिलने वाला है ऐसा जो यूट्यूब में नहीं है, बताइए। तो जैसा कि आपने हार्डवेयर का कोर्स किया, उसके बाद फिर आपने सॉफ्टवेयर क्लास ली, सॉफ्टवेयर अभी डेड सेक्शन होने से पहले, क्योंकि मैंने कल भी बताया था डेड कहीं एक पर्टिकुलर सेक्शन से नहीं हो सकता, वो आपका हार्डवेयर से भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है, और मिमसी से भी हो सकता है। तो जब तक आपका कंप्लीट कोर्स नहीं होगा तब तक आप डेड को फाइंड नहीं कर सकते। तो जब आपने हार्डवेयर पढ़ा, फिर मैंने एक दिन की सॉफ्टवेयर की क्लास ली, कैसी रही आपकी? बहुत। तो ये आउट चार्जर में लगा दिया उसको, कार्ड चेंज। तो गाइज, नॉलेज तो हर जगह दिया जा रहा है, पर नॉलेज किस तरीके से दिया जा रहा है वो वेरी इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहाँ पे जैसा मैं सॉफ्टवेयर पहले दिन की आपने क्लास ली, मन में बहुत सारे डाउट रहे होंगे, अरे कैसे सीखेंगे एक सॉफ्टवेयर, बहुत इंग्लिश वगैरह वगैरह बहुत सीखना पड़ेगा, तो क्या ये सब चीज़ों की जरूरत है क्या? तो यहाँ पे केवल इनकी पहले दिन की क्लास हुई है। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों ने ऑनलाइन के नाम पे 200-300 रुपए एक्स्ट्रा दिए? सर हम तो 500 दिए। अब कितने लोग देने वाले हैं, लेने वाले हैं कि देने वाले हैं? तो पहले दिन की क्लास जब हमने मीडिया टेक की क्लास ली, तो कोई ऑफलाइन ऑनलाइन होता है क्या? मैंने बोला था 99% आपका काम जर्न होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे जो अपडेट क्लास है, तो जो सॉफ्टवेयर का अपडेट क्लास पढ़ाया जाता है, तो बताइए विंडोज 7 में पढ़ाया जा रहा है, किसमें पढ़ाया जा रहा है? मैंने आते ही क्या बोला था,
क्या विंडोज 20 भी होगी तो भी पढ़ाया जाएगा सर, विंडोज 20 होगा तो वो भी हम पढ़ा सकते हैं। तो ये लाइव क्लास में इनको, और ये लैपटॉप जो होता है, तो ये हमारा लैपटॉप था कि आपका लैपटॉप था? हमारा था। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आप कहीं भी आप देखोगे तो जो सिखाया जाता है वो खुद एज अ टीचर ही काम करते हैं, वहाँ पे चेयर में बैठ जाएंगे और खुद ही ऑपरेट करेंगे। तो कभी भी आज तक मुझे ऑपरेट करते देखा क्या? कल किसने चलाया था? आपने चलाया था सर? इससे पहले सॉफ्टवेयर किया था कभी? नहीं सर, नहीं किया। बहुत अच्छा लगा सर। अब कर पाएंगे? जी सर बिल्कुल। तो इनको जो भी है अपडेटेड क्लास मिलता है, जो अपडेटेड टूल है, ऐसा नहीं कि जो डाउनग्रेड हो चुका है उसको ही बताते हैं। फाइलों का अपडेट बहुत सारी पूछने के लिए है, वो तो पूरी क्लास को ओवरऑल पूछ नहीं सकते। बस छोटा सा वीवो का जो फोन डेड होता है वो रिकवर नहीं कर पाते, आप कितने सेकंड में रिकवर कर पाएंगे? कर पाएंगे? फाइलों का डीप नॉलेज मिला आपको? तो ये थी हमारी ओवरऑल सॉफ्टवेयर की क्लास। आइए सर, क्या देने वाले हैं इनको बताइए। हम सर सबसे पहले तो EMMC की पूरी, EMMC हो, EMCP हो, UFS हो, इसकी पूरी जानकारी देंगे और इसको किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है। ये YouTube का नॉलेज नहीं है कि तुक्केबाजी से काम करेंगे, पूरी फाइलों के नॉलेज के साथ एक एक फाइल क्या काम करता है। एक DTO फाइल नहीं रहेगा तो क्या काम कर, क्या मोबाइल में फॉल्ट आ सकता है, या एक TZ की फाइल नहीं रहेगा तो क्या फॉल्ट आ सकता है, या बूट की फाइल एक नहीं रहेगा तो। जैसे आपने मीडियाटेक की क्लास में फ्लैशिंग होते देखा, जैसे परसेंटेज बढ़ रहा था, सिस्टम की फाइल जा रहा था, यूजर डाटा की फाइल जा रहा था, TZ की फाइल जा रहा था, वो सारे फाइल के एक एक फाइल क्या काम करता है, किस तरीके से मोबाइल फ़ोन की बूटिंग शुरुआत होता है, और एक फाइल नहीं रहेगा तो मोबाइल फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, या लेटेस्ट में जितने भी फ़ोन है X3 Pro जो अपडेट होने के बाद सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग में आ रही है, ये सारे फॉल्ट सारे किस तरीके से सॉल्व करना है ये बताएंगे। दूसरी बात, जो लोग डरते हैं पेस्टेड IC में, एकदम हलवा बन जाएगा, एकदम हलवा बन जाएगा। नॉर्मल IC से ज़्यादा खुशी लगेगी पेस्टेड IC में काम करने के, इतनी आसान हो जाएगी पेस्टेड IC। जिसके बाद हम सीखेंगे डबल डेकर CPU, डबल डेकर किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीज़ मैं आपको पूरी प्रैक्टिकल के थ्रू आपके हाथों से ही करवाने वाला हूँ। आप दीपक सर बताइए, कैसा लगा थ्रू आउट इनके साथ में अब तक का, और कैसे रहे ये सीखने में? अगर मैं बात जी सर बात करेंगे इनकी, पहले दिन से जब इनकी काउंसलिंग क्लास होती है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि पहले दिन आप लोग आए थे तो डाउट में थे कि नहीं? डाउट में थे जब आपकी काउंसलिंग क्लास हुई देव सर के साथ में, जो पहला क्लास लगा 27 तारीख की, उस दिन के बाद क्यों कौन डाउट में था भाई? नहीं सर, हमने आपको Day 1 ही बोला था कि आपको 4 दिन के बाद आपको फीस रिटर्न कर देंगे अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो। आप सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए? कौन से दिन आप सेटिस्फाई हो गए थे? पहले दिन सर से मिलते ही आप सेटिस्फाई हो गए थे? चलिए ठीक है, अभी मैं हम बात करना चाहते हैं सर इनसे कि Day 1 से लेके अभी तक ये 15 दिन का क्लास इन्होंने अटेंड किया है और इनके एनर्जी में कोई से भी कहीं से भी कोई कमी नज़र में नहीं आई है सर। ठीक है, तो जैसा मेहनत मैं आपको ये बोलना चाहूँ, जैसा मेहनत आप Day 1 से लेके अभी तक किए हैं वैसा ही मेहनत आप घर पर भी जाने के बाद करिए। अभी आपका सॉफ्टवेयर की क्लास चलेगी, उसके बाद EMMC प्रोग्रामिंग की क्लास चलेगी। तो देखिए डेट जो क्लास आज आपकी हुई है, एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं, आपको छत पे जाना होता है तो जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, दो दो सीढ़ी चढ़ते हैं, या फिर एक ही बार में पूरे छत पे चढ़ जाते हैं एक एक सीढ़ी, तो एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप। हार्डवेयर हुआ, फिर सॉफ्टवेयर होगा, फिर आपका EMMC होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, होता है कि नहीं होता है? उसके बाद हम बात करना चाहेंगे आपसे टूल के बारे में। टूल आप देख रहे हैं आपके टेबल पे सारे टूल अवेलेबल हैं, तो आपको भी अच्छे काम करने, प्रोफेशनल काम करने के लिए आपके पास प्रोफेशनल टूल होना चाहिए। टूल में कोई कमी करने वाले हैं क्या आप लोग? चलिए ठीक है, हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि 50,000 का फ़ोन मत खरीदिए, आप 50,000 का नॉलेज लीजिए। तो 50,000 की नॉलेज अगर आप लेते हैं तो उससे आप 1,00,000 का फोन खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? नॉलेज ये आप 2x 3x करके आप उतना 2 गुना कमा सकते हैं, 3 गुना कमा सकते हैं, लेकिन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए ओवरऑल आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। प्यारे तुम्हारे को भी कुछ बनता है बोलना, ये हमारे कोहिनूर हैं। जैसे लंदन में कोहिनूर को दिखाने का पैसा लेते हैं, लोग बोलते सर इनको आप दिखाते नहीं हैं, पैसा दो पहले। बताओ कोहिनूर। तो जब आप लोग आते हो पहले दिन एशिया टेलीकॉम आते हो, 26 तारीख को आते हो, यहाँ पर हॉस्टल में रुकते हो, थोड़ी सी मुलाकात मेरे से होती है, बातचीत होती है। बातचीत के तहत हम नहीं जानते सर आपको कि आपको क्या आता है, कभी आज तक आपसे पूछा क्या आता है? ये पूछा आपसे? और उसके बाद भी हमारे ये सर चुनौती देते हैं, सर चुनौती देते हैं,
आओ मेरे टीम के साथ पढ़ो, गारंटी से तीसरे दिन मैं आपसे पावर आईसी लगाऊंगा और चौथे दिन सीपीयू लगाऊंगा। तो सर खरे उतरते कि नहीं उतरते? सर्किट मतलब दो दिन में कंपोनेंट खत्म है ना खत्म? कौन करता है? कौन करता है? कोई कर पाता है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मतलब हम कितना रिस्क लेके काम करते हैं और ऑनलाइन मुंह पे आज बोलते हैं, आने वाली बेच को भी बोलते हैं कि अगर दूसरे दिन तुम्हारे कंपोनेंट समझ में नहीं आया, तीसरे दिन तुमसे पावर नहीं लगी और चौथे दिन अगर आपसे सीपीयू नहीं लगा, हम आपकी गुणवत्ता देख के नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, है ना? हम हमारी रिस्क पे ले रहे हैं आपको, और जब तक आपको समझ में चौथे दिन नहीं आता तो आपकी फीस रिटर्न, तो कितना बड़ा रिस्क लेके चल रहा है? सही बात है, ये चीज है। और आज की तारीख में ये बताओ कौन कौन आईसीयू को नहीं पढ़ सकता है? सब पढ़ सकते हैं? सारे के सारे पढ़ सकते हैं? नहीं, स्कीमेटिक सब कर सकते हैं? और आपका ओवरऑल मैं नेटवर्क सेक्शन बोलू, डेट सेक्शन बोलू, आज के डेट सेक्शन की बात करो, कैसा लगा आपको डेट सेक्शन? इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर। इसके ऊपर हो तो बताओ मेरे को। तो इनके सारे जवाबदारी इनकी है सर की और सर के लिए। चलो ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल टेकर सीपीयू कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने किया। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया है? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाया, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस सर? ने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट।